हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पेंट, वो भी मियानी वाली, ताकि आपको मोरी से भी नहीं खींचे और बैठने में भी कंफर्टेबल रहे। पेंट बनाने के लिए हमने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है और इसे 4 फोल्ड करके रखा है। अब हम ऊपर से 2 इंच पे इलास्टिक के लिए एक मार्क करेंगे और उसे स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम मार्क करेंगे लेंथ के लिए, तो जहाँ से हमने 2 इंच छोड़ा वहीं से लेके हम 37 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और उसे स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। सड़तीस इंच को छोड़ के हम 4 इंच दूर एक और मार्क लगाएंगे और वो मार्क लगाएंगे हम मोरी के बेल्ट के लिए, क्योंकि पैंट में मोरी का बेल्ट 4 इंच का होता है। और अब हम इसे स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम मार्क करेंगे बेल्ट के लिए, तो हमारा हिप राउंड है 46 इंच, उसका हम चौथाई करेंगे तो आएगा 11.5 इंच और उसमें हम 3 प्लस करेंगे तो आएगा 14.5 इंच। हम 14.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। अब हम मार्क लगाएंगे हिप के लिए, तो नॉर्मल साइज़ में हमें 14 इंच पे ही मार्क करना है और ज़्यादा हैवी बॉडी हो तो ही हम 15-16 इंच पे मार्क करेंगे। इस लाइन को हम स्ट्रेट ज्वाइन कर लेंगे और बाहर की साइड हम 2 इंच रखेंगे। अब हम मार्क करेंगे थाइस के लिए, तो जहाँ से हमने 2 इंच रखा वहीं से हम पूरा कपड़े का नाप लेंगे और उसका मिडल लेंगे, तो उसका मिडल आएगा हमारा 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और हम पूरे में लास्ट तक उस मार्क को स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम मार्क करेंगे मोरी के लिए, तो मोरी हमारी 12 इंच, उसका आधा होगा 6 इंच और हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, इसलिए आएगा 8 इंच। तो जहाँ हमने 8.5 में मार्क किया उसकी राइट साइड हम 4 इंच मार्क करेंगे और लेफ्ट साइड 4 इंच मार्क करेंगे। और मोहरी से हिप का जो हमने साइज़ लिया था वहाँ से हम कर्व स्केल से इसे ज्वाइन कर लेंगे। फोल्डेड वाली साइड भी हम हिप का जहाँ मार्जिन है वहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और हमने जहाँ हिप का मार्जिन लिया था वहीं हम राउंड शेप दे देंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फोल्डेड वाली साइड से हम बीच से कट लगा के दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। ये हमारी पेंट की कटिंग रेडी है। अब हम मियानी की कटिंग करेंगे, तो मियानी के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे और लंबाई 7 इंच लेंगे। 7 इंच पे मार्क करके हम एक तिरछा निशान लगाएंगे और हल्का सा राउंड शेप देके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी पैंट की कटिंग रेडी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को